देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना पूरे देश में, पर अगर देश के कानून देश के गृह मंत्री ही अगर कानून को भंग करेंगे, देश के गृह मंत्री ही अगर संप्रदायों का झगड़ा करवाएंगे, देश के गृह मंत्री ही झूठी और बेबुनियाद बयानात इशू करेंगे, तो कानून की रक्षा कौन करेगा। आज हमने ये FIR दर्ज करवाई है हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बैंगलोर में श्री अमित शाह जो देश के यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ। 25 अप्रैल को जब वो कर्नाटक में आए तो उन्होंने झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद और बेसिर पैर के बयानात कांग्रेस पार्टी के बारे में दिए। अमित शाह जी, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी कि PFI को बैन किया जाए। महीनों तक बसवराज बोम्मई जी ने PFI को बैन नहीं किया, विधानसभा के अंदर और बाहर और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने कहा हमारी मांग पर PFI को बैन किया गया है। और आप ये कहते हैं कि हम बैन हटा देंगे, हमने ये वायदा किया है, ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। अमित शाह जी का ये कहना कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो यहाँ धार्मिक उन्माद और झगड़े और राइट्स फैलेंगे, ये अपने आप में एक सरासर झूठ है। इसलिए हमने दरख्वास्त की है कि देश के गृह मंत्री बौखला गए हैं, वो घबरा गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 40 से भी कम सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे हार का सामना कर रही है कर्नाटक में, और इसलिए हमने मांग की है कि सेक्शन 153, 153 ए, 171 जी, 505(2), 120B इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता और करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमित शाह जी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, चाहे वो गृह मंत्री भी हों, अगर वो कोई क्राइम करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमने भारत के चुनाव आयोग से भी दरखास्त की है कि अमित शाह जी को इस कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक में पांव रखने की इजाजत ना दी जाए, उन्हें यहां से बाहर किया जाए। चुनाव आयोग ने हमारी दरखास्त को सुनने के लिए कल 4 बजे का समय भी दिया है। धन्यवाद। सर, आपने ये भी कह रहे हैं कि कई कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं वो कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि PFI का सपोर्ट बैकडोर में मांग रही है कांग्रेस, इसको क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 40% कमीशन का जवाब है, नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की 40% कमीशन की चिट्ठी का जवाब दिया? नहीं। प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन की 40% कमीशन की चिट्ठी का जवाब दिया? नहीं। विंगलेश्वर स्वामी जी के 30% कमीशन का जवाब दिया? नहीं। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में 80 लाख रुपए की रिश्वत का जवाब दिया? नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में घपले का जवाब दिया? नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो घपला हुआ उसका जवाब दिया? नहीं। विरूपक्षप्पा जो उनके विधायक है वहां से 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जवाब दिया? नहीं। यतनाल जी ने कहा 2500 करोड़ में CM पोस्ट बिकती है, जवाब दिया? नहीं। इसलिए उनके पास अब केवल उल जलूल बचा है, ये उल जलूल लोग हैं और उल जलूल बातें करते हैं। PFI को लेकर स्टैंड क्या है सर कांग्रेस? हमारा स्टैंड क्लियर है, आप 3 बार ये सवाल पूछ चुके, मैं 4थी बार फिर दोहराता हूँ। PFI पर बैन कांग्रेस ने मांग की थी विधानसभा के अंदर और बाहर, सिद्धारमैया जी, DK शिव कुमार जी ने, हमारी मांग पर ये बैन लगाया गया। कई महीनों तक बसवराज बोम्मई जी नूरा कुश्ती लड़ते रहे, इसलिए अगर कोई दोषी है तो वो हैं। और हमारे पर इस प्रकार का मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्जाम लगाना साबित करता है कि भाजपा चुनाव हार चुकी है। धन्यवाद।